बरसात में भीगा किसानों का सोना। वीरवार देर शाम अचानक इंद्र देवता ने किसानों पर एक बार फिर अपना प्रकोप दिखाया। अचानक आई बरसात से रादौर अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ी हजारों क्विंटल गेहूं बरसात में भीग गई। मंडी में इतनी बड़ी संख्या में आढ़तियों के पास गेहूं के कट्टे ढकने की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते गेहूं के कट्टे बरसात में भीग गए। SDM रादौर कंवर सिंह ने शाम को मार्केट कमेटी कार्यालय में मंडी के आढ़तियों व खरीद एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में SDM ने मंडी के आढ़तियों का आदेश दिए कि आढ़तियों के पास गेहूं के कट्टों को बरसात से बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में तिरपाले होनी चाहिए। उन्होंने आढ़तियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी आढ़ती के पास गेहूं के कट्टे ढकने की व्यवस्था नहीं होगी तो उसे नोटिस दिया जाएगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। किसानों ने कहा कि उठान का कार्य सही तरीके से होता तो किसानों को ना तो मंडी में जाम की समस्या से जूझना पड़ता और ना ही उनकी फसल यूं भीगती। पहले यह दिक्कत थी कि मंडी में गिरने की जगह नहीं थी, यहाँ से लिफ्टिंग नहीं हो रही थी। अब ऊपर से बूंदा पड़ने लगी, जो बच जाओ ना आग और निबेट दे। पक्या पकाया सोना सर यू मतलब बेकार जान लग रहा। डेली का माल डेली उठना चाहिए मंडी में, ताकि आने वाला माल सही तरीके से वो लग सका। और सर जब मंडी में सही तरीके से माल आयो जागा जायो जागा जल्दी कट जाएगा। आग जो रोज के बाहर के नुकसान जिम्मेदार के रहे वो भी बच जाएगा, जिम्मेदार भी बच जाएगा साथ में। भी दिन महीना महीना हो गया माल तू लिया इतने पिया धक्के खाता वे है, कोई है कोई साई खत्म का किसाना के लिए क्या व्यवस्था है? ये उठाने वाले थे, ये मान लो पहले ये गाड़ियाँ और ट्रालियों से माल उठ जाता था, ठीक है। अब ये गाड़ियों वाले ने कई जीत रखा है, अभी हम उठाएंगे, ये माल क्यों नहीं उठ रहा भाई? किसान तो परेशान है ना, क्यों नहीं उठ रहा? ये कि ट्राली से उठाओ या बुग्गी से उठाओ, कहाँ से मर्जी उठाओ, माल तो उठना चाहिए ना मंडी में से, कोई भी नहीं उठा रहा यहाँ से, यहीं धक्के खा रहे। सभी आढ़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिसके सामने जो गेहूं रखा है उसकी वो बरसात के मौसम से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करें, उस पर तिरपाल वगैरह और जो भी उसके साधन है पॉलीथीन वगैरह उन सबको वो यूज़ करे और जो गेहूं है उसको भीगने ना दे। इसके साथ साथ मंडी में थोड़ा सा लिफ्टिंग की एक समस्या आ रही थी, जाम की स्थिति बनी हुई, 2 लाख कट्टे लगभग अभी मंडी में पड़े हैं, तो उसी को लेकर आज की मीटिंग मैंने बुलाई थी और आढ़तियों को निर्देश दिए हैं कि भाई वो लोग जो आने जाने का रास्ता है वो क्लियर रखें और अपने यहाँ पे किसी भी तरीके से गेहूं को इस तरीके से इस कंडीशन में ना रखें कि वो गीला हो या फिर वो जाम का एक कारण बने। अभी मौखिक हिदायत है और सेक्रेटरी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो समय समय पर मंडी में विजिट करते रहें और अगर किसी आढ़ती की तरफ से इस तरह की कोई समस्या आती है तो उनको शोकॉज नोटिस दें। वही रजिस्टर्ड मतदाता वोट देकर आएंगे जो अपना नाम वोटर लिस्ट में पाएंगे। समय रहते अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना भूले ना। याद रहे इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। चेक योर नेम इन द वोटर लिस्ट ऑन NVSP.in और कॉल वोटर हेल्पलाइन 1950।